यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है अपना चैट जीपीटी। अगर आपको नहीं पता चैट जीपीटी क्या है तो आप सिंपल आई बटन पे क्लिक करें, आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर मिल जाएगा जिसके बारे में मैंने चैट जीपीटी में डिटेल में बताया है। और अगर आपको चैट जीपीटी का अकाउंट नहीं बना रहा तो सिंपल मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चैट जीपीटी का लेक्चर कैसे बनाना है। अब आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, आज हम एक स्टोरी लिखने जा रहे हैं, उर्दू स्टोरी या इट्स अप टू यू, आप इंग्लिश स्टोरी लिखना चाहते हो आपकी अपनी मर्जी है, इट्स योर चॉइस। मैं एक उर्दू स्टोरी लिखती हूँ, ठीक है, और उस स्टोरी को मैं एक हॉरर स्टोरी डिफाइन करती हूँ। अब सबसे पहले मेरे माइंड में क्या है कि मैं एक ऐसी स्टोरी डिफाइन करूँ, लाइक आई वांट एक ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिसमें ग्रेवयार्ड हो और किड्स हों, कुछ इस तरह की स्टोरी हो। तो हम चैट जीपीटी को एक अच्छी सी और ज़बरदस्त सी प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट देने के लिए ओपन कर लेते हैं अपना कीबोर्ड। कीबोर्ड ओपन करके सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लिखना है क्रिएट ए स्टोरी, आपने राइट नहीं लिखना। अगर आप राइट लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली कोई और स्टोरी उठा के कॉपी करके आपको दे देगा, आपने क्रिएट लिखना है ताकि वो खुद से क्रिएट करें। जैसे आप लिखोगे क्रिएट ए स्टोरी, अब यहाँ पे आप लिखो क्रिएट ए हॉरर स्टोरी इन विच किड्स आर अफ्रेड ऑफ ग्रेवयार्ड। यानी कि मैंने उससे बोला है कि एक हॉरर सी स्टोरी बनाओ जिसमें जो बच्चे हैं, छोटे से बच्चे किड्स, वो कब्रिस्तान से यानी कि ग्रेवयार्ड से डर रहे हों। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या स्टोरी बनाएगा, मेरे माइंड में जस्ट एक सिंपल सी चीज़ आ गई है, या फिर किड्स आर अफ्रेड ऑफ ए घोस्ट, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि वो किसी भी भूत से, इस तरह की चीज़ से डर रहे हैं। अब मैं उसको बताऊँगी कि लाइन्स कितनी होनी चाहिए मेरी स्टोरी की, कितनी लाइन्स हैं। अब हो सकता है मुझे मेरा जो क्लाइंट है वो बोले कि आप जो स्टोरी है वो 4 to 10 लाइंस में कंप्लीट करके दो, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स कैसे होने चाहिए, इजी वर्ड्स होने चाहिए बहुत ज़्यादा, लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। अब लैंग्वेज मैं यहाँ पे कहती हूँ उर्दू, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज। उसके बाद इजी इंग्लिश लिख लेती हूँ ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो, मतलब कि इजी वर्ड्स ये लिख लेते हैं, ओके। लेट्स सी, अब हम इसको कमांड देते हैं, बहुत सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी है मैंने, अब इसको एंटर करते हैं, अब देखते हैं। अच्छा, अब देखिए उसने यहाँ पे एक स्टोरी क्रिएट की है। अब मैंने उसको सिर्फ ये बताया कि बच्चे हों और उसके बाद एक घूस यानी कि एक भूत होना चाहिए, दैट्स इट। अब उसने ख़ुद से ऑटोमेटिकली एक स्टोरी क्रिएट करके दी है कि इस तरह से ये बच्चे हैं और भूत ने उनका पीछा किया और दैट्स इट। अब लास्ट में उसने एक क्वेश्चन उठाया कि क्या वो वाकई रियल था, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको नहीं कहा कि उस स्टोरी का कोई रिज़ल्ट भी हो। अच्छा, अब मैं उसको अगेन यही फॉर्म देती हूँ और आखिर में मैं लिखती हूँ कि मस्ट हैव ए मॉरल, मस्ट हैव ए हॉरर मॉरल, ठीक है, लेट्स सपोज दैट्स ये। अब इसको देखते हैं, अब इसने आखिर में एक मॉरल भी देना है, मॉरल का मतलब है कि वो आखिर में एक नतीजा भी देगा, जो भी स्टोरी है आखिर में वो कुछ ना कुछ बताएगा कि ऐसे हैं। जैसे अगर आप स्टोरीज पढ़ते हैं तो नीचे लिखा होता है मॉरल ये है इस चीज़ का, ये नतीजा। तो अब मैं इसको कहती हूँ कि एक मॉरल भी मुझे बताओ। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छी सी स्टोरी उसने जनरेट की है। मैं देख रही हूँ कि एक चार दोस्त खुशी से पार्क में खेल रहे थे और लेकिन वो नहीं जानते थे कि पार्क में एक हॉरर हाउस है, हॉन्टेड हाउस, ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा कि फिर उनको डर लगने लगा और उनमें से एक बच्चा जो था वो ब्रेव था, उसने कहा कि नहीं मैं इनको फेस करूँगा, गॉट इट। उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चे उस हॉन्टेड हाउस में गए तो उनको पता चला कि वो खाली हाउस नहीं है, वहाँ पे एक भूत रहता है जो उनको डरा रहा है, और इस तरह से मतलब इन द लास्ट उन्होंने एक मॉरल निकाला है कि बच्चों ने ये सीखा कि चंद लम्हे की खुशी के लिए जोखिम उठाना यानी कि छोटी सी खुशी के लिए इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। उसने बोला कि अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए और बच्चे हमेशा एहतियात करेंगे। अब देखें जो जो चीज़ें मैंने उसको बताई उन चीज़ों को यूज़ करके उसने एक स्टोरी बना ली। अब ये तो वो था कि मैंने उसको स्टोरी बताई, थोड़ी सी चीज़ें बताई, ग्रेवयार्ड, किड्स, मॉरल। अब मैं उसको कुछ भी नहीं बताऊंगी और सिंपल एक बोलूंगी कि क्रिएट ए हॉरर स्टोरी, दैट्स इट, क्रिएट ए हॉरर, ठीक है, और सस्पेंस भी डाल देते हैं, हॉरर एंड सस्पेंस, ठीक है, सस्पेंसफुल थ्रिलर स्टोरी, थ्रिलर स्टोरी इन उर्दू, दैट्स इट। लेट्स सी अब वो क्या क्रिएट करता है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे उसने फिर से एक स्टोरी क्रिएट की और मैंने उसको लाइंस नहीं बताए थे, वर्ड्स नहीं बताए थे, ये भी नहीं बताया था कि लैंग्वेज इजी हो, बेसिक लैंग्वेज हो, कौन सी हो।
तो उसने खुद से ही कोई भी स्टोरी जनरेट करके मुझे दे दिया। अगर आपका चैट जीपीटी ऐसे कर रहा है ना, मतलब कि वो पिछली चीज़ों को अगेन लेके आ रहा है, जैसे मुझे लगता है कि वो इसमें भूत और कब्र को दोबारा से लेके आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो वर्ड्स ना ऐड करे, खुद से कोई स्टोरी क्रिएट करे। तो उसके लिए आपको इसको एक प्रॉम्प्ट देनी होगी, जिसमें आपने इसको कहना है कि इग्नोर दी अबव प्रॉम्प्ट। इसका मतलब ये है कि ऊपर मैंने तुम्हें जो भी प्रॉम्प्ट दी है, तुम सिंपल उसको ख़त्म कर दो, और अब मैं तुम्हें जो दूंगी उसको अगेन से ये देखें। उसने कहा है कि मैं अब ऊपर वाली जो सारी प्रॉम्प्ट्स आपने मुझे दी हैं, मैंने उनको इग्नोर कर दिया, अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ। अब आप यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट ए हॉरर स्टोरी, अब देखते हैं कि वो क्या क्रिएट। अब मैंने ऊपर वाली सारी प्रॉम्प्ट्स को इग्नोर कर दिया, अब उसने इंग्लिश में एक तो मुझे बना के दिया, ऊपर से उसने खुद से ही कुछ ना कुछ लिखा है। लेट्स सी, अब मैं लिखती हूँ कि क्रिएट ए हॉरर स्टोरी इन उर्दू। यहाँ पे आप लोग देखें कि ये मेरी जो स्टोरी है जनरेट हो रही है। आपको एक चीज़ बताऊँ, अब यहाँ पे कोई ग्रेवयार्ड, कब्र, भूत, बच्चे इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मैंने ऊपर वाले सारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया था। अब उसने खुद से एक स्टोरी डिज़ाइन करके मुझे दी है, प्रॉपर न्यू स्टोरी। इसको मैं जहाँ पे भी जाके बोलूँगी ना कि ये स्टोरी मैंने क्रिएट की है, मेरी खुद की स्टोरी है, तो मुझे कोई कॉपीराइट का एक्ट नहीं लगेगा, मेरा कोई क्लाइंट नहीं बोलेगा कि आपने कॉपी करके दी, क्योंकि ये चैट जीपीटी ने खुद क्रिएट की है और मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी थी, तब जाके उसने ये चीज़ क्रिएट की है। ऐसे ही तरीके से आप फ़नी स्टोरीज़ या फिर ब्लॉग्स, लाइफ स्टोरीज, जिस तरह की भी मॉरल स्टोरीज, पॉजिटिव स्टोरीज, नेगेटिव, एनीथिंग, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, उसको सिंपल जाके एक प्रॉम्प्ट दो। जब आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज़ क्रिएट करनी है, और वो आपको एक प्रॉपर कंप्लीट डिटेल में जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो बनाकर दे देगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।